देखो भाई, 10th क्लास का जो ना रियल नंबर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आरडी शर्मा में से, और ये चैप्टर आपका आरडी शर्मा बुक में फर्स्ट है भाई। लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 1.2 में थे, और उसमें हम इस चैप्टर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं कि जो आप एचसीएफ के बारे में आपने पढ़ा ना, वो एचसीएफ आपके आम लाइफ में कहाँ काम आता है भाई। और बेस मैंने आपको बताया था कि जब भी स्टेटमेंट के अंदर मैक्सिमम, लार्जेस्ट, हाइएस्ट या ग्रेटेस्ट ये लिखा हो ना, तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। तो देखो मैं आगे देखो, लास्ट में जो है ना 16 तक मैंने आपको करने को कहे थे, और अब तुम लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो भाई। देखो 17 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, 17 में लिखा हुआ है टू ब्रांड ऑफ चॉकलेट आर अवेलेबल इन पैक ऑफ 24 and 15 भाई, 24 and 15 रिस्पेक्टिवली। कब के भाई, आपके पास जो है ना दो टाइप की चॉकलेट है, जो फर्स्ट टाइप के है ना वो आपके पास 24 है, और जो सेकंड टाइप की चॉकलेट है ना वो आपके पास 15 है। अब आपने करना क्या है, इफ आई नीड टू बाई एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ बोथ काइंड भाई, आपको दोनों टाइप की इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट पैक करनी है भाई। तो व्हाट इज दी, क्या पूछा अपने दे भाई, व्हाट इज दी लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेज, लिस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाय भाई। तो अब तो ये कहो है कि आपको इन चॉकलेट को पैक करने के लिए कम से कम कितने बॉक्स आपको चाहिए, कम से कम कितने बॉक्स आपको चाहिए। अब देखो, अगर आप बॉक्स कम तक कम लोगे तो जो पैकिंग है चॉकलेट की वो ज्यादा ज्यादा करोगे, अरे अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपको जो बॉक्स है ना वो कम से कम लेने हैं, तो आप चॉकलेट क्या करोगे, मैक्सिमम तो मैक्सिमम डालोगे, तभी तो आप कम तक कम बॉक्स ले पाओगे। अरे ये वही बात है, मान लीजिए आपको 10 रुपये दे दिए, पर मैंने आपको स्पेशली बोल दिया कि आपने इन 10 रुपया के कम से कम पेन लेकर आने हैं, कम से कम पेन आपने लेकर के आने हैं, तो आप क्या करो, आप 10 वाले ले आओगे। तो वही बात यहां पर है कि अगर आप बॉक्स कम से कम लोगे तो जो पैकिंग है ना वो आपको ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी, और जो पैकिंग है ना वो आपको मैक्सिमम तक मैक्सिमम करनी पड़ेगी, और आपको नंबर ऑफ चॉकलेट ही दे रखे हैं, और जो नंबर ऑफ चॉकलेट है वो आप मैक्सिमम तक मैक्सिमम लोगे, और जब लिखो मैक्सिमम तो आप क्या निकाल लोगे, एचसीएफ निकाल लोगे। आप कहीं सोचे यहाँ तो मिनिमम लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मिनिमम है ना वो बॉक्स के साथ लिखा हुआ है, पर स्टेटमेंट में तो जो है ना आपको नंबर क्यों है, आपको चॉकलेट की संख्या क्यों है, तो आप ये देखो कि चॉकलेट के नंबर के साथ क्या लिखा हुआ है। अगर आप बॉक्स कम तक कम लोगे तो आप जो चॉकलेट है वो मैक्सिमम तक मैक्सिमम लोगे, और मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ निकालना, तो आप एचसीएफ निकाल लोगे। निकाल दो एचसीएफ भाई, टू फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 24 and 15 भाई। देखो क्या बनेगा, तो यूक्लिड डिवीजन से निकाल दो, चलो तो 24 को 15 तक करोगे डिवाइड, तो एक पर चलेगी, उसके बाद रिमाइंडर आपका 8 बचेगा ना, ना 8 नहीं भाई 9 बचेगा, तो उसके बाद 15 को आगे ले आओगे एक पर भाई, उसके बाद 6, अब 9 को लिया हुआ आगे 1 पर भाई, अब रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, अब 6 लिया हुआ आगे तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, तो एचसीएफ कौन आया मेरा,
तो जब का रिमाइंडर जीरो बच जाए तो उस टाइम पे आप जिससे कर रहे हो डिवाइड, तो वही आपका क्या होगा, एच शेप होगा। यानी आपको तीन तीन चॉकलेट डालनी पड़ेंगी, आपको जो है ना हर बॉक्स के अंदर तीन तीन चॉकलेट आप जब डालोगे ना तो आपकी पूरी भर जाएंगे। पर आप तो वो जो है ना चॉकलेट की संख्या नहीं पूछ रहे हैं, आप तो वो बॉक्स पूछ रहे हैं कि आपको जो फर्स्ट टाइप के जो चॉकलेट है ना उनको पैक करने के लिए कितने पैकेट आपको चाहिएंगे, और जो सेकंड टाइप के चॉकलेट है उनको बॉक्स में डालने के लिए कितने बॉक्स आपको चाहिएंगे। अब देखो एक बॉक्स में तीन डालनी है और चॉकलेट है 24, एक बार में तीन डालनी है और चॉकलेट आपके पास 24 है, तो आपको 24/3 तो 8 बॉक्स चाहिएंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेज फॉर फर्स्ट टाइप चॉकलेट, अरे एक में आपको तीन डालनी है और आपके पास टोटल 24 चॉकलेट है तो 8 ही चाहिएंगे, एक में तीन तो 24/3 यानी 8 बॉक्स आपको चाहिएंगी। और नंबर ऑफ बॉक्स फॉर सेकंड टाइप चॉकलेट भी, तो चॉकलेट आपके पास 15 है ना और आपको एक बॉक्स में तीन डालनी है तो आपको 5 बॉक्स चाहिएंगे, तो 15/3 तो 5। तो ये इसमें मेन बात है कि आप तो आपको बताना है कि कम से कम कितने बॉक्स आपको चाहिए। अगर आप बॉक्स कम तक कम लोगे तो जो चॉकलेट है ना वो आपको मैक्सिमम तक मैक्सिमम डालनी पड़ेंगे, और मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ, तो एचसीएफ हमने निकाल दिया। और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18 भाई, पढ़ना 18 एक बार। ए मासून हैज टू फिट ए बाथरूम विद स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज भाई, कोई आदमी है उसको जो है ना अपने बाथरूम के अंदर मैक्सिमम तो मैक्सिमम साइज की मार्बल बिछवानी है, और मार्बल भी कैसी स्क्वायर टाइप की, स्क्वायर मतलब जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर हो भाई, और वो भी मैक्सिमम साइज की। अरे मिनिमम तो पॉसिबल है को ना, मिनिमम तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों कि मिनिमम तो ओल्ड लोगे के ओल्ड लोगे के ओल्ड, मिनिमम तो पॉसिबल, मैक्सिमम तो पॉसिबल है कि आपको किसी बाथरूम के अंदर मैक्सिमम साइज की टाइल आपने बिछवानी है, और मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ। और उसके बाद जो बाथरूम है ना उसका साइज आपको गिवन है भाई, तो साइज कौन है मेरा क्वेश्चन नंबर 18 है ये, तो साइज ऑफ दी बाथरूम भाई, क्या साइज अपना बाथरूम का साइज है भाई 10 feet by 8 feet भाई, 10 feet तो लेंथ है और 8 फीट उसकी कौन है भाई ब्रेड्थ है, और उसके अंदर आपको क्या करना है भाई मैक्सिमम साइज की मार्बल आपने बिछवानी है। तो पहले आप ये देखो कि जो मैक्सिमम साइज है ना वो क्या पॉसिबल है, आपको साइज ही गिवन है ना, साइज ही आपको गिवन है, और साइज के आगे लिखा हुआ मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल लो। देखो क्या बनेगा एचसीएफ भाई, तो टू फाइंड दी एचसीएफ किस किस का भाई ऑफ 10 एंड 8 भाई, तो निकालना एक बार, तो क्या बनेगा ये 10 को 8 से करोगे डिवाइड तो 1 पर भाई, तो 2 रिमाइंडर, अब 8 को लिया हुआ के 4 पर भाई, अब रिमाइंडर कौन आ गया 0, तो एचसीएफ कौन होगा मेरा
एच मेरा बनेगा टू, यानी आपका जो बाथरूम है ना उसमें टू फीट तो लेंथ है, और टू फीट ब्रेड्थ की अगर आप टाइल लेकर आओगे ना तो वो टाइल आपकी पूरी पूरी बिछेंगी। तो आपको बाथरूम में जो है ना टू फीट लेंथ की और टू फीट ब्रेड्थ की टाइल आपको बिछवानी पड़ेंगी। अब पर आप तो वो जो है ना टाइल का साइज नहीं पूछ रहे, आप तो क्या पूछ रहे वो व्हाट वुड बी साइज ऑफ इंच ऑफ द टाइल। हाँ टाइल का साइज ही बताना भाई आपने, बल्कि दो चीज बतानी है, एक तो टाइल का साइज वो तो आ गया आपका टू, पर ये तो आपका किस में आया फिट में आया है, और आपने वो जो ना इंच में बताना है। अगर आपके पास फिट हो और वो आपने इंच में चेंज करना हो तो टेबल तो करनी होती है मल्टीप्लाई भाई, तो देयर फॉर साइज ऑफ दी टाइल भाई तो वो आपका बनेगा, तो आपका फिट में है ना पर वो आपने इंच में बताना है, तो इसको 12 से कर दोगे मल्टीप्लाई तो 24 इंच बनेगा भाई आपका, तो साइज आ गया अपना। पर साथ में कहो भाई कि आपने उस बाथरूम के अंदर कितने टाइल आपको चाहिएंगे, यानी आपको जो है ना टाइलों की संख्या भी बतानी है कितने टाइल, इसका फॉर्मूला होता है भाई वो याद करना आपने, जब भी कहो ना नंबर ऑफ टाइल नंबर ऑफ टाइल्स, तो आप कैसे निकाल लोगे जो बाथरूम का एरिया ना उसको टाइल के एरिया तक डिवाइड कर दोगे, बाथरूम के एरिया को टाइल के एरिया तक कर दोगे डिवाइड, तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल आ जाएंगे। तो पहले आप निकाल लो बाथरूम का एरिया, अब देखो बाथरूम आपका जो है ना रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 10 इंटू 8 बनेगा, और डिवाइड में कौन भाई टाइल का एरिया, टाइल आपकी स्क्वायर है तो स्क्वायर एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और साइड आपकी 2 है ना तो 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, तो 4 दूनी 8 और 10 दूनी यानी आपको 20 टाइल चाहिएंगे भाई, 20 आपको क्या चाहिएंगे टाइल आपको चाहिएंगे। तो कुछ खास है नहीं भाई, बिल्कुल आसान है तो कि कोई बाथरूम है उसमें जो है ना स्क्वायर टाइप के टाइल आपने बिछवानी है। अब टाइल का जो साइज आप मैक्सिमम ही लोगे, क्योंकि मिनिमम तो पॉसिबल है ना कि ओड मैक्सिमम पॉसिबल है कि मैक्सिमम आप इस साइज की टाइल इसमें बिछवा सको, और मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ, तो एचसीएफ हमने निकाल दिया तो एचसीएफ आपका 2 आया, और जो आपको टाइल लेकर आने पड़ेंगे नहीं टाइल आपको 2 फिट साइज के आपको लेकर के आनी पड़ेंगी, पर वो इंच में पूछे तो 12 तक कर दो मल्टीप्लाई तो इंच में आ जाएगा। साथ में कहो नंबर ऑफ टाइल भी बताओ, तो इसका फॉर्मूला होता है भाई बाथरूम का एरिया अपॉन में कुन टाइल का एरिया। एक और देखो भाई जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो तुम करोगे भाई, एक तुम भी कर लोगे, अब तुम पढ़ो 20 भाई। देखो 20 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ना 20 भाई, 20 में लिखा हुआ है 105 गोट्स 140 डंकी एंड 175 काउ हैव टू टेकन एक्रोस ए रिवर भाई। 105 तो गोट है भाई बकरी है आपके पास, 140 गधे और 175 कुन है गाय है मेरे पास, वो एक रिवर को क्या करें क्रॉस वो करें हैं। There is only one boat which will have to make many trip in order to do so, और उनको रिवर को क्रॉस करवाने के लिए एक शिप उनके पास है, एक ही शिप है भाई, और उस शिप के द्वारा उनको क्या करवाना क्रॉस करवाना भाई। The lazy boatman has his own condition for transporting them, जब वो जो भी बोट को चलाने वाला ना उसके कंडीशन है, क्या कंडीशन है भाई उसकी कंडीशन है कि ही इंस्टेड डेट ही विल टेक सेम नंबर ऑफ एनिमल इन एवरी ट्रिप, कि वो हर बार जो है ना सेम एनिमल लेकर जाओगा,
हर बार क्या करेगा वो सेम एनिमल वो नू नहीं है कि एक बार तो 20 लेगा चढ़ागा ना फिर 25 लेगा फिर 5 ना, ऐसा नहीं है। हर बार वो सेम नंबर ऑफ एनिमल को क्या है लेकर के वो जाओगा भाई। और आपने बताना क्या है सीधा लास्ट में आ जाओ, ही इंसिस्ट डेट विल टेक द सेम नंबर ऑफ पढ़ लिया हमने तो है जो भी, ही विल नेचुरली लाइक टू लेक द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ईच टाइम। और हर बार जो है ना जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ना एनिमल को ले जाने की उनको वो लेकर के जाओ है। और मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल दो आप। कैन यू टेल हाउ मेनी एनिमल वेंट इन ईच ट्रिप, तो आपने बताना है कि वो हर ट्रिप के अंदर कितने एनिमल वो लेकर के जाओगा, और हर ट्रिप के अंदर वो क्या है मैक्सिमम क्या लेकर जाओ है एनिमल्स वो लेकर, और मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ निकाल दो एचसीएफ। तो कोई से दो नंबर लोगे लिख तुम लेना भाई, जैसे 140 को 105 से करो एक पर चलेगी, 10 में 5 का 5 3 भाई, अब 105 को लिया हुआ आगे शायद 3 पर पूरा ही हो गया, अब रिमाइंडर 0 आ गया ना, अब जो नंबर बचा हुआ है उसको 35 से करोगे डिवाइड तो 175 बचा हुआ है 35 से, शायद सीधा कैंसिल ही हो जाएगा 5 पर, तो रिमाइंडर कौन आ गया 0। अब और तो कोई नंबर बचा नहीं हुआ तो जिससे आप कर रहे हो डिवाइड वही आपका कौन होगा एचसीएफ होगा। और एचसीएफ का मतलब हर बार वो जो है ना 35 एनिमल वो लेकर के जाओगा, हर बार क्या वो 35 एनिमल वो लेकर के जाओगा भाई। तो आपने जो ना आज यहां तक करनी है।